सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉयड डिवाइस में गूगल फीड में जो है दोस्तों वेदर रिपोर्ट को कैसे इनेबल और उसको कैसे डिसेबल करते हैं, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जब भी आप अपने गूगल फीड ओपन करते हैं, जस्ट आप अपने होम स्क्रीन से अगर आप लेफ़्ट साइड स्लाइड करते हैं तो आपकी गूगल फीड ओपन हो जाएगी और ऊपर के साइड गूगल फीड में आपका जो सिटी का टेम्परेचर है, वो वेदर रिपोर्ट है, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी ये इनेबल है दोस्तों। अगर आपके पास ये इनेबल नहीं है तो इसको कैसे इनेबल करते हैं, अगर आपके पास ये इनेबल है इसको कैसे डिसेबल करते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो गूगल फीड ओपन कीजिए और ऊपर के साइड टॉप राइट साइड में थ्री डॉट्स आपको मिल जाएंगे, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है कस्टमाइज डिस्कवर, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेदर अपडेट्स, यहाँ से जो है दोस्तों आप इसको ईजिली इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल है, डिसेबल करना है तो आप इसको टर्न ऑफ कीजिए। डेट सेट, अभी हम चेक कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट शो कर रही है नहीं। एक मरतबा आप अपनी गूगल फीड को जो है दोस्तों रिफ़्रेश कीजिए। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारी जो गूगल फीड में वेदर जो रिपोर्ट शो कर रही थी वो अभी वो डिसेबल हो गई है। तो ये एक इजी और सिंपल मेथड है दोस्तों उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए। अगर आपको फिर से इनेबल करना है तो फिर से आपको वहीं पर ही जाना है कस्टमाइज डिस्कवर में और इसको इनेबल कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो। अगर आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली शॉर्ट सिंपल वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।